नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि नई जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसका बहुत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हो, जैसे पति पत्नी में अनबन, घरेलू कलह कलेश, प्यार में धोखा, प्रेमी का बिछड़ना, रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश आदि समस्याओं से ग्रसित भक्तजन बेझिझक हमें संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा एवं आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप अभी संपर्क करें। धन्यवाद। और मित्रों, हम जो भी विधियां आपको बताते हैं उनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है, अतः जैसे बताया है वैसे ही करें। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं विधि के बारे में। तो विधि में हम सबसे पहले विधि का समय जान लेते हैं कि विधि का समय क्या रहेगा। तो मित्रों, ये जो विधि है ये आप किसी भी दिन कर सकते हैं, रात्रि में करनी होगी, किसी भी पक्ष की रात्रि हो, किसी भी वार की रात्रि, कोई पाबंदी नहीं है। पर माताएं बहनें थोड़ा ध्यान रखें कि कठिन दिनों में इस विधि को ना करें। जब वह कठिन दिनों में हो तो विधि से थोड़ा दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये जो विधि है ये सारी सात्विक विधि है, सात्विकता के साथ और शुद्धता के साथ आपको करनी होगी। मांस मदिरा का सेवन किसी को भी नहीं करना है, विधि के दौरान भी और विधि से थोड़ा पहले भी। अगर आप विधि करना चाहते हैं तो 2-3 दिन पहले ही मांस मदिरा से दूरी बनानी शुरू कर दें। और ध्यान रखिएगा मित्रों, एकांत में विधि कीजिएगा, किसी को बता के मत कीजिए, क्योंकि ये जो विधि है एकांत में ही होती है और बिना गलती शुद्धता के साथ और स्वच्छता के साथ स्नान आदि से निवृत्त होकर ही आपको ये विधि करनी होगी। अब बात कर लेते हैं मित्रों विधि की सामग्री के बारे में। तो विधि की सामग्री के रूप में आपको लेना है मात्र कुमकुम। जी हाँ, एक पात्र में आप कुमकुम ले लीजिएगा। मात्र इस कुमकुम से आप जिसका भी वशीकरण करना चाहते हैं, यानी अपने पार्टनर का आप जब भी वशीकरण करना चाहे कर सकते हैं, अगर आपके जीवन में समस्या आई है तो। और एक बात बता दो, ये विधि वही लोग करें जिनके पार्टनर उनके साथ रहते हैं या जिनके लिए भी वो वशीकरण करना चाहते हैं। ये वशीकरण सबके लिए है। ये वशीकरण एक बहन अपने भाई पे कर सकती है अगर वो गलत चल रहा है, ये वशीकरण माँ अपने बेटे पे कर सकती है, पिता अपने बच्चे पे कर सकता है, बच्चे अपने माता पिता पे कर सकते हैं। अगर प्रेमी प्रेमिका का है तो वो तो कर ही सकते हैं, क्योंकि हमारे लगभग हर विधि सब के लिए नहीं होती, हमारी हर विधि होती है प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी के लिए। पर ये जो विधि है ये माता पिताओं, भाई बहन और रिश्तेदारी में भी लग सकती है। अगर आपका कार्य सच्चा है तो आप अपने प्रियजन पे किसी पे भी कर सकते हैं, पर एक शर्त पे कि आप उसके साथ रहते हो, एक घर में रहते हो, तभी आपका कार्य हो पाएगा। अब मैं बता देता हूँ मित्रों विधि में करना क्या है। तो सबसे पहले रात्रि में आपको 11 से 1 बजे के बीच में एकांत पे बैठ जाना है। किसी भी जगह एकांत आपको मिल सकता है, साफ सुथरी जगह होनी चाहिए, वहाँ पर आपको आसन बिछाकर बैठना है और सामग्री को कपड़े के ऊपर रखना है। और करना क्या है, इस सामग्री को आपको अभिमंत्रित करना एक मंत्र से। तो मित्रों मैं अब बता देता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले तो इसको सीधे हाथ में ले लीजिएगा। सीधे हाथ में लेकर आँखें बंद करके जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हैं उसका अंतर ध्यान कीजिएगा। सामने वाले को मन में ही मन में अंतर ध्यान करना है और सामने वाले की तस्वीर को मन में स्थापित करना है और फिर मंत्र बोलना है। मित्रों मैं मंत्र बोल देता हूँ, ध्यान से सुनेगा, मंत्र में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मंत्र सही होगा तभी अपना कार्य बनेगा। तो मैं मंत्र बोल देता हूँ। मंत्र है, ओम कालेश्वर त्रिकालेश्वर सामने वाले का नाम मम वश्यम कुरु भवः, इतना बोलना है आपको। 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है इसको सीधे हाथ में लेकर। मैं मंत्र फिर से बोल देता हूँ। मंत्र है, ओम कालेश्वर त्रिकालेश्वर सामने वाले का नाम मम वश्यम कुरु भवः। 108 बार जब आप ये मंत्र बोल दें उसके बाद आपको इसे अपने घर के मंदिर में, यानी घर का जो सबसे शुद्ध स्थान है, सबसे सुरक्षित स्थान है, वहाँ पर आपको रख देना है। यह करने के बाद आप सो जाएंगे। अगले दिन जब आप सुबह उठें और स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, उसके बाद आप इसको कहीं छुपा के रख दीजिएगा। साफ सुथरी जगह होनी चाहिए, छुपा के रख देना है, आपके अलावा कोई दूसरा यूज ना करे। फिर आप स्नान आदि से जब निवृत्त हो जाएं, उसके बाद आपको इसमें से थोड़ा सा तिलक लेना है और उस व्यक्ति के कर देना है जिसका भी आप वशीकरण करने जा रहे हैं, उसका आपको इसमें से इस अंगुली से, जो अंगुली हम बता रहे हैं यही अंगुली आपको इस्तेमाल करनी है, क्योंकि तिलक के लिए सर्वश्रेष्ठ अंगुली यही मानी जाती है। इससे आपको थोड़ा सा लेना है और सामने वाले को तिलक कर देना है।
यह करने के बाद जब आप यह कर दें उसके बाद आप इसको छुपा के रख देंगे और आप अपने नियमित कार्य में लग जाएंगे। दूसरे दिन की रात्रि वापस इसको सीधे हाथ में लेंगे, वापस वही मंत्र बोलेंगे। मंत्र में बोल देता हूँ, ध्यान से सुनेगा। मंत्र है ओम कालेश्वर त्रिकालेश्वर सामने वाले का नाम मम वश्यम कुरु भव। 108 बार फिर से आप अभिमंत्रित करेंगे इस मंत्र का जाप करके और फिर से इसे सुरक्षित स्थान पर रख देंगे। अगले दिन यानी तीसरे दिन फिर से दूसरी बार तिलक करेंगे और फिर वापस रख देंगे। रात्रि में फिर से अभिमंत्रित करेंगे। कुल 4 बार आपको तिलक करना है। पहले दिन की रात्रि का कार्य है, दूसरा दिन तिलक, तीसरे दिन की सुबह तिलक, चौथे दिन की सुबह तिलक और पांचवें दिन की सुबह तिलक। पांचवें दिन जब आप तिलक कर दें उसके बाद आपको इस कुमकुम को पीपल के पेड़ के नीचे डालकर आ जाना है, क्योंकि कुमकुम बचेगा, कुमकुम को और इस्तेमाल कर नहीं सकता ये। आपको बचा हुआ कुमकुम पीपल के पेड़ के नीचे डालकर आ जाना है और फिर सीधा घर आकर हाथ मुंह धोकर अपने काम में लग जाना है। वहीं पे आपकी विधि समाप्त हो चुकी होगी। जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हैं, सामने वाला अगर आपसे बात तक नहीं कर रहा है तो उस खुद ब खुद बातचीत चालू कर देगा। कोई बात की नाराजगी है तो बात वापस ठीक हो जाएगी। कोई बात आप सही बात है जो बनवाना चाहते हैं उससे, तो वो बात मान जाएगा। गलत जिद में है तो वो गलत जिद छोड़ देगा, आपकी हर बात मानने लग जाएगा, आपकी बातों का सम्मान करने लग जाएगा, आपका सम्मान करने लग जाएगा। पर शर्त यह है, गलत नियत नहीं होनी चाहिए, गलत कार्य नहीं होना चाहिए और विधि में गलती नहीं होनी चाहिए। सब कुछ सही होगा तभी आपका कार्य बनेगा। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे तो हमारे आश्रम में करवा सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, अच्छी तरीके से कीजिए, अच्छी नियत से कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नरक बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, जैसे पति पत्नी में अनबन, घरेलू कलह कलेश, प्रेमिका बिछड़ना, रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन का आना, प्यार से शादी ना हो पाना आदि समस्याओं हेतु आप हमें संपर्क करें। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।